तो दोस्तों अभी अभी मैं यहाँ पे पहुंचा था रेस्क्यू सेंटर में। करीबन समय 9:30 बजे का। और भाई साहब बता सकते हैं कुछ? वो आग को लगी होनी ओदे विच बेचारा बैठा सी। अच्छा, सड़ गया उत्थे ही लगातार खेत विच पिया होया। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि 3-4 दिन से वही था सड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब आपको जानकारी अभी मिली? पता पहले उसको खेत से निकाला बाहर। ठीक है ठीक है, ऑटो में डालकर इधर लेकर आए। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने सुना कि ये आप बर्न्ड केस कह सकते हैं आप लोग। भाई साहब ने जैसे बताया कि 3-4 दिन बाद पता चला इनको, तो तुरंत ये लोग यहाँ पे ले आए। तो आप पास से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, और वैसे भी अंदर से भी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डॉक्टर साहब अभी मतलब क्या दिक्कत क्या अभी इसको? ऐसे खाना पीना नहीं खा रहा है। मतलब एनालाइजेशन से क्या लगता है कि ये केस बन... हो गया? अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए एक बड़ा रीज़न, अक्सर आपको पहले भी कहा गया कि पशुओं के लिए पानी का इंतज़ाम कीजिए, ये सब चीज़ें मदद कीजिए। तो आपके हिसाब सामने ही है, ये गर्मी की वजह से भी, धूप की वजह से भी। और ये बुल है दोस्तों, अच्छे खासे साइज़ का बुल है। चलिए ये तो भला हो, जैसे ये लोग वहाँ से लेके आए हैं, मुकेरिया से लेके आए ना। अच्छा, ये यहाँ से अंदाजन कितना किलोमीटर होगा? कम से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग इसको लेके आए हैं। और ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन बाद इनको लाइक पता चला। तो हिसाब लगा लीजिए, जिन लोगों ने इसको देखा होगा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये लोग देखिए अपना समय निकाल के इतनी दूर से 20-25 किलोमीटर, दोस्तों बहुत होता है। फिलहाल कंडीशन दोस्तों इसकी ख़राब ही है, लेकिन पुरजोर कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। चलिए कम से कम इनको पहुंचाने वाले लोग तो हैं ना दोस्तों, उम्मीद ये कि ये ठीक हो जाए बस। नए मेहमान के साथ मिलवाते हैं। ये देखिए है ना स्वीट, ये बहुत स्वीट है। ये ना मेरी मुलाकात उस दिन पहले भी हुई थी इसके साथ, तो ये लाइक बीमार था उस दिन भी किसी वजह से आया था, फिर पार्वो हो गई थी ना इसको। हाँ, लेकिन अब दोस्तों रिकवर है, यहाँ पे आ रहे हैं भाई साहब। तो ये भैया यहाँ पे लेके आ रहे हैं इनको। ये लाइक हमारा जो गाँव है, हमारे गाँव से कुछ ही दूरी पर है, वहीं से लेके आ रहे हैं। बहुत ही स्वीट है ये देखिए। तो इसे अडॉप्ट किया ना दोस्त आपने, लाइक सड़क से अडॉप्ट किया। तो ये देखिए दोस्तों, ये मिसाल है जहाँ पे हम लोग महंगे महंगे कुत्ते खरीदते हैं, ये करो वो करो, असली चीज़ यही है दोस्तों, देसी लोग, देसी कुत्ते, है ना, ये सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों। सो इसीलिए नारा हमारा आज भी कायम है, अडॉप्ट डोंट शॉप, क्योंकि दोस्त बनाए जाते हैं दोस्तों, दोस्त खरीदे नहीं जाते। ये बहुत ही स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा। ओए कुड़ोल, इसका नाम क्या है? नाम रखा विशु। तो इसका नाम दोस्तों विशु है। विशु अभी वो पता क्या भौचक्का सा हो गया कि देख रहा है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ये क्या चीज़ है, ये लाइट आ रही है सामने, ये क्या चीज़ है, ये देख रहा है। चलिए ये ठीक ही है, अब हो जाएगा थोड़ी सर।